जनपद में 22 फरवरी को शुरू हो रहे यूपी बोर्ड की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हुई। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 22 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने जनपद में परीक्षा को संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। जनपद में कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,37,692 छात्र और छात्राएं भाग लेंगी, जिसमें 12वीं कक्षा में 62,750 छात्र और छात्राएं और 10वीं में 38,149 छात्र और छात्राएं भाग लेंगे। जनपद में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे परीक्षा की सभी इंटर कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके लिए 2 शिफ्ट में 45 कर्मचारी को ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 22 कंप्यूटर पर ड्यूटी देंगे और कॉलेज में लगे सीसीटीवी के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों पर नजर रखेंगे। सभी कॉलेजों में सीसीटीवी के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है, यदि कोई छात्र छात्रा एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी आवाज कंट्रोल रूम से सुना जाएगा और उसको तत्काल से कंट्रोल रूम के माध्यम से आगाह किया जाएगा। वहीं कक्षा में लगे ड्यूटी पर अध्यापकों को सूचित किया जाएगा, जिससे कि कार्यवाही की जा सके। जिला प्रशासन का पूरा प्रयास है कि पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ नकल विहीन परीक्षा करवाया जा सके। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जिला विद्यालय के निरीक्षक अमरकांत सिंह ने बताया कि जनपद में 205 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसके साथ ही एक केंद्र जिला कारागार में भी बनाया गया है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक व बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर दी गई है। पुलिस का आवंटन सभी परीक्षा केंद्रों पर कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया जा रहा है, जो कि आज सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। यहां से एक कर्मचारी 10 विद्यालयों की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसा प्रबंध किया है कि कोई भी छात्र नकल नहीं कर पाएगा। यदि कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाएगा तो उसे तत्काल रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा और कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए छात्र पढ़ाई करके परीक्षा देने आए, नकल करने के बारे में न सोचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह ने कहा, जिला प्रशासन की तरफ से जो हमारे विद्यालयों में तकनीकी संसाधनों को उपयोग किया जाना था, सीसीटीवी चाहे विद्यालयों में हो चाहे कंट्रोल रूम में उनकी मॉनिटरिंग को लेकर के हो, चाहे राज्य स्तर पे निदेशालय या बोर्ड में हो, वो सारी चीज़ें संचालित करा दी गई हैं। दूसरी तरफ जो नियुक्तियां होनी थी केंद्र व्यवस्थापक, वाय केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की, वो विभाग के द्वारा और जिला महोदय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है, जो उन्होंने वो अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिए हैं। प्रश्न पत्रों का हमारे द्वारा वितरण कल कराया गया था और जो अवशेष है उसका आज हो गया, और कापियों का जो वितरण है वो पहले किया जा चुका है। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है। 1,37,000 से ऊपर बच्चे इसमें परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं और 206 केंद्रों पर, जिसमें इसके 205 विद्यालयों में और एक जिला जेल में केंद्र बनाए गए हैं, और इस तरह से इन केंद्रों पर बच्चे अपनी परीक्षा सही समय से कराएंगे। मॉनिटरिंग के लिए हम लोग, मेरे पास चूँकि 205 केंद्रों का ही मॉनिटरिंग का है और एक चूँकि जिला जेल में है तो उसका पार्ट जो है कि अलग है, और 205 केंद्रों को हम लोग 20 सेटों पे मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि 10-10 विद्यालय एक भी आदमी के पास रहे, ताकि उनको अच्छे से वो हर कक्ष की, स्ट्रांग रूम की और हर प्रक्रिया की जो परीक्षा से जुड़ी हुई है, चाहे पेपर खुलने से हो चाहे कॉपी पैक करके निकलने की हो, उसको देखा जा सके। छात्रों को मैं इतना कहना चाहूँगा, परीक्षा को किसी भी रूप में दबाव में न लें। जो उन्होंने पहले की तैयारी की है उतनी पर्याप्त है, और अब दबाव में आने से कोई अच्छी आई हो भी नहीं सकती। तो नियमित रूप से जिस तरह से वो विद्यालय जाते थे अपने पढ़ाई के लिए, जितने जिस भावना से उसी भावना से परीक्षा देने के लिए जाएं और बहुत अच्छा होकर के आएंगे। गोरखपुर की सिविल लाइंस की रहने वाली पूनम सिंह ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मेरी जमीन सिविल लाइंस में है, लेकिन एक भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वह जबरदस्ती घुसकर हमारे घर में रहने का प्रयास कर रहा है। जब हमने उसको हटाने के लिए कहा तो वह हमको मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी लिखित शिकायत हमने सभी अधिकारियों से किया है, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वह एक हिस्ट्री शीटर है और एक सातिर अपराधी है। इसके अलावा उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, वह जेल जा चुका है और उसका रासुका की भी कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमको न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूनम सिंह ने कहा, पूनम सिंह कहाँ से आई हैं? सिविल लाइन्स से। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य? मेरी जमीन है सिविल लाइन्स में, जिस पर जब संकेत मल्लिक भू माफिया है और एक शातिर अपराधी है, वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है, इसी के सिलसिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। तो कैसे कब्जा कर रहे हैं? वो जबरदस्ती उसमें घुस के हमारे कमरे घर में रहने का प्रयास कर रहा है। उसको कई बार हमने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, तो वो हमको जान से मारने की धमकी देता है। इसकी लिखित शिकायत भी हमने सारे जगह सारे उच्च अधिकारियों को भेजा है। सारे प्रकरण जो भी मेरे साथ उन्होंने किया है, कई बार उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है, मेरे पर पिस्टल भी दिखाया था।
उस सबकी लिखित जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को पहले दे रखा है। संकेत मलिक हिस्ट्री सिटर हैं, बहुत शातिर अपराधी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, 307 के दो दो मुकदमे इनके ऊपर हैं। ये जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी हुई है और ये आए दिन किसी न किसी विवाद में उलझते रहते हैं और ये बहुत ही बड़े शातिर अपराधी और हर किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार ये कई लोगों के ऊपर जान से मारने की हरकत भी कर चुके हैं। तो अभी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनका हमारी जमीन इनके कब्जे अगर कब्जा कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन जो है हमारा सपोर्ट करे और हमारी इनके कब्जे से हमारी जमीन छुड़वाए। जो आपने प्रशासन शिकायत किया था उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जमीन हड़प रहा है वो किस तरह की जमीन है, पैतृक है या जो? नहीं नहीं, हमने बैनामा कराया है उसको। और कुछ दिन पहले मेरा लड़का गया था घर पे सामान निकालने के लिए, तो ये उसको जो है जान से फावड़ा दिखाकर जान से मारने की धमकी दिए थे, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। उसकी शिकायत भी हमने शासन प्रशासन को दी है, उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। मेरे 13 साल के बच्चों को इसने जान से मारने की धमकी दी, जो कैमरे में कैद है। क्या आपके रिलेटिव हैं क्या? जी, हमारे कजिन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है और इन्होंने हमारे गांव की जो पैतृक हमारी जो जमीन है जो हमारे पापा लोगों के नाम से है उसको भी ये लोग ये बाबा से सब कुछ अपने नाम करवा चुके हैं फर्जी तरीके से, जिसका बनाम जिसका मुकदमा इनके ऊपर लंबित है। हमारे पूरे परिवार के लोग इनसे त्रस्त है, ये हमें ही नहीं हमारे परिवार के और लोगों को, हमारे चाचा लोगों को, हमारे और लोगों को भी हमेशा उलझते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। वो लोग भी पूरी तरह से इनसे डरे हुए हैं और इनसे परेशान हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी हुई? जी, इस संबंध में मेरी बात हुई है, हमने सबको इस बारे में बता रखा है। क्या आश्वासन मिला उससे? बोलते हैं लोग देखा देख रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई, संकेत मल के ऊपर कार्रवाई हो। वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके उनकी जो जमीन वहाँ पर ऑलरेडी है, जब उनका हिस्सा ऑलरेडी हो तो अपने हिस्से में रहे, मेरे हिस्से में जबरदस्ती क्यों रहेंगे? और मेरे हिस्से में रहेंगे तो भाई हमें प्रॉब्लम होगी, हम उसके लिए अपना प्रयास करेंगे ही उसको छुड़ाने के लिए। उन्होंने भी जमीन वहाँ जो है बैनामा लिया? हाँ, उनका बैनामा है वहाँ पर, उसमें वो रहते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हम उनके में कब्जा करने या बेदखल उनको उसमें कुछ करने तो जाते नहीं है, तो मेरे में वो क्यों जबरदस्ती दखल दे रहे हैं? नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में जन सुनवाई की, जिसके संभव में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। इसमें नगर निगम के सभी नागरिक जो समस्या रहती है उसको लेकर आते हैं, यहाँ पर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि संभव दिवस के अतिक्रमण साफ सफाई की समस्या आई है, जिसका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और नगर निगम के सभी नागरिक अपनी समस्याएं, जो भी संबंधित समस्याएं विभाग से संबंधित होती है उसको लेकर आते हैं और यहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम की सारी पूरी टीम हमारी उपस्थित रहती है और जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो अतिक्रमण से संबंधित समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, कर की समस्या हो, जो नागरिक अपनी समस्या लेकर आते हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण कराया जा रहा है। SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस में आए मामलों का SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी ने बारीकी से एक एक करके सुनवाई की, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस, बिजली, पानी, टैक्स से संबंधित आए थे। इसके अलावा कुछ मामले जमीन अधिग्रहण को लेकर आए थे। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मामलों का निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। Thank you.
गोरखपुर हलसीगंज के नागरिकों ने मार्केट में खुल रहे शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में नागरिकों ने बताया कि नई शराब की दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों की वहां पर जुटने की पूरी संभावना है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। वहां पर 20 कदम पर मस्जिद व मंदिर है, उस रास्ते से सभी स्कूली के बच्चे आते जाते हैं। शराब की दुकान के सामने स्टेशनरी व मेडिकल की दुकान है, जहां पर छात्र और छात्राएं पढ़ाई की सामग्री लेने के लिए आते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि शराब की दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इस अवसर पर नागरिक छोटेलाल वर्मा, विजय कुमार, मन्नूलाल वर्मा, विनोद कुमार तिवारी, रीता वर्मा, अंजू वर्मा, रंजू वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों ने कहा, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग? सर, मांग यही है कि शराब की दुकान तो खोली ना जाए। और कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बताइए जब कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बताइए जिस जगह पे बेटियां आती हैं, बहुएं आती हैं, वहाँ पे शराब की दुकान रहेगी तो वहाँ पे बहू बेटी पे क्या स्थिति होगी? इस यही मेरी मांग है कि वहाँ पे दुकान ना खोली जाए। जी सर, आश्वासन यही मिला है कि मतलब उसकी जाँच किया जाए, तो आगे अब क्या होती है अब देखा जा रहा है। नीलू परी, मामला यह है कि शराब की दुकान खुल रही है आबादी के बीच में, और उस आबादी में ऐसी जगह है कि जिस तरह से आप मकान देख रहे हैं इसी तरह से उसके अंदर दुकान खोल दिया गया है। बगल में मस्जिद है, मंदिर है, अस्पताल है, विद्यालय है, और दो तीन मुश्किल से 10-20 मीटर की दूरी पर, और वहां पर संभ्रांत व्यक्ति रहते हैं, आए दिन जो है बवाल होने की संभावना है, और वहाँ पर दुकान खुले पूरे जनाक्रोश है। तो मैं मांग यह है कि वहाँ से शराब भट्टी अलग खोला जाए ताकि सुख अमन चैन कायम रहे, और वहाँ पर खुल जाने से एक तो कंजेस्टेड एरिया है, भीड़ भाड़ इलाका, संभ्रांत लोगों का परिवार रहता है, ऊपर परिवार रहता है, नीचे दुकान खुल गई है और अगल बगल भी संभ्रांत लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि शराब गद्दी कहीं अन्यत्र खुला जाए। मांग यही है कि शराब की दुकान वहाँ पे खोलने लायक बिल्कुल नहीं है। मौके पे मुआयना करा लें, सही मुआयना करा लें। कल पुलिस आकर के हम लोगों को कह रहे थे कि नहीं, जिलाधिकारी का आदेश है और वो खुलेगा। अब उन्होंने कहा कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं आप कार्य अधिकारी को। क्या नाम आपका? राजेश चौधरी। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त ईश्वर चंद्र की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में तहसीलदार चौरी चौरा व थानाध्यक्ष चौरी चौरा की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त ईश्वर चंद्र उर्फ पिंटू जायसवाल पुत्र राजा राम जायसवाल निवासी शत्रुधनपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक राय, नागेंद्र मड़ी, संजय यादव, महिला उप निरीक्षक माधवी सिंह, कांस्टेबल पिंटू कुमार, बुद्धि सागर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, आज थाना चौरी चौरा के अंतर्गत जो कुख्यात अपराधी पिंटू जायसवाल सन ऑफ राजा राम जायसवाल है और जो शत्रुघ्न धाम का निवासी है, उसकी दुकान और मकान की संपत्ति जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत धारा 14 के तहत जब्त की गई है। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश से कार्रवाई की गई है।